नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम आप देख रहे हैं और आपके साथ में हूं अल्पना। दिन भर की पांच बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे एक गिरफ्तारी की। तो आपको बता दें कि दलाई लामा, जो कि तिब्बती धर्म गुरु हैं, उनकी जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये शख्स एक चीनी नागरिक है। आरोप क्या है? दिल्ली में चीन के नागरिक के पकड़े जाने के बाद अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं। और आपको बता दें कि दरअसल है क्या ये पूरा मामला, ये मामला जो है दलाई लामा की जासूसी से जुड़ा हुआ है। और भारत में जो अधिकारी हैं, उनको, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनको ये शक है कि चीन का एक नागरिक चार्ली पेंगो लुओसांग, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु, दलाई लामा की जासूसी कर रहा था। तो इसी आरोप में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से। और आईटी डिपार्टमेंट को ये पता चला है कि ये जो शख्स है, जो चीनी नागरिक है, जो पकड़ा गया चीनी नागरिक है, वो दिल्ली में कुछ निर्वासित तिब्बतियों को रिश्वत दे रहा था। और बताया गया है कि आरोपी ने दिल्ली की तिब्बती रिफ्यूजी कॉलोनी के पास ही, जो मजनू का टीला है, वहाँ कुछ लोगों को 2 से 3 लाख रुपए कैश भी दिए हैं। इस तरह की जानकारी मीडिया में सामने आई है। और ये पूरी खबर जो है वो आप अमर उजाला डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, क्या जानकारी है, कौन है ये शख्स। क्योंकि ये भी हम आपको बता दें कि दलाई लामा की जो जासूसी का जो मामला है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले भी दलाई लामा की जासूसी की गई है। और क्योंकि ये शख्स जो चार्ली पेंग है, ये साल 2014 से ही हिमाचल प्रदेश और ख़ासतौर से दिल्ली में दलाई लामा की टीम में घुसने की कोशिश कर रहा था और तमाम जो जानकारियाँ हैं वो जुटाने की कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल ये शख्स अब गिरफ्तार हो गया है और इससे सारी जानकारी अभी ली जा रही है। खुफिया एजेंसियां जो कि ये अब शक भी जता जा रही हैं कि इससे आगे भी, यानी आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की और घटनाएं हो सकती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल हम अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस और उससे जुड़ी खबरों की। तो दिल्ली में स्थिति, हालांकि अब मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति कुछ हद तक काबू में है और DDMA की बैठक है आज, ये एक अहम बैठक है जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि होटल, जिम और जो वीकली मार्केट होते हैं, साप्ताहिक बाजार होते हैं, उनको खोला जाए या नहीं खोला जाए। तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA, जिसकी आज एक मीटिंग है और मंगलवार को, यानी आज ही, इस सिलसिले में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। और इसमें जाहिर है सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी शामिल होंगे, तमाम और अधिकारी भी शामिल होंगे। और इस बात पर चर्चा होगी कि COVID-19 के मद्देनज़र क्या कुछ स्थिति इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली के होटल्स, जिम, साप्ताहिक बाजार को दोबारा खोला जाए या नहीं खोला जाए, क्योंकि इस तरह के जो प्रस्ताव हैं वो प्रस्ताव दिल्ली सरकार को पीछे हाल ही में मिलते हुए भी दिखाई दिए। तो इस प्रस्ताव पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। तो इस मीटिंग में क्या कुछ होता है, इस पर amarujala.com की नज़र बनी हुई है। आगे हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट के, यूपी सरकार के एक अहम फैसले की। तो ये अहम फैसला क्या है आपको बता दें, उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के लिए दावा अधिकरण का गठन है, होने की बात कही है और योगी सरकार का ये अहम फैसला है। दरअसल जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जुलूस निकाले जाते हैं, विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं आज तक और आंदोलन भी होते रहे हैं, तो इस दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है, जो एक गंभीर विषय होता है और चिंता का विषय होता है। ऐसे में उसकी भरपाई कैसे की जाए, तो भरपाई के लिए राज्य सरकार ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कर दिया है। क्या है इसका काम, क्या है इसकी जिम्मेदारी, इस बारे में आप तमाम जानकारी amarujala.com की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अगली खबर, हम कोरोना की स्थिति, हम विश्व में क्या है, ये हम आपको अपडेट दे दें क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देश के साथ साथ बाकी जो दुनिया है, बाकी जो देश है, वहाँ पर इस समय क्या स्थिति है। तो पूरे विश्व में 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना संक्रमित अभी तक पाए गए हैं और 7 लाख से ज़्यादा की जान अभी तक इस वायरस ने ले ली है। तो इस बीच न्यूजीलैंड का बता दें, दूसरी बार संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने आम चुनाव को 4 सप्ताह तक टालने का फैसला लिया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि अमेरिका में अब तक संक्रमण से दुनिया में सबसे ज़्यादा 1,73,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो इस बाबत तमाम जानकारी आप amarujala.com की वेबसाइट पर जा
और ये देखिए कि इस समय दुनिया में क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस को के संक्रमण को लेकर, क्योंकि इससे निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। वैक्सीन लाए जाने की इस समय बात की जा रही है, रूस ने भी की है, चीन ने भी दावा कर दिया है कि वैक्सीन आ चुकी है और ऐसे में अब कुछ समय बाद ये बाजार में भी दिखाई देगी। लोगों की खरीदारी के लिए ये इस समय बाजार में सही दाम पर उपलब्ध भी होगी। तो फिलहाल ये खबर, इसके बाद अब फिलीपींस की हम आपको जानकारी दे दें। ये एक अहम खबर इस लिहाज से हो जाती है, फिलीपींस में मनीला में महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर जो इसकी तीव्रता आंकी गई है 6.4 आंकी गई है। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहां मंगलवार सुबह सुबह करीब 5:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 आंकी गई है। तो इस बाबत आप पूरी जानकारी लीजिए amarujala.com की वेबसाइट पर। इसके अलावा और भी खबरें हैं amarujala.com पर, लगातार अपडेशन इस समय हो रहा है। खबरें जैसे जैसे आ रही हैं आप उनको वेबसाइट पर जाकर जानिए और वेबसाइट के वीडियो सेक्शन में भी आप जाकर खबरों को तफसील से जान सकते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस लाइव में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।